मित्रों, साप्ताहिक जीके प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर, आज साप्ताहिक करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ और इसमें आपको 30 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 30 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सेशन से आपकी परीक्षा में डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्त, बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए आपका अपना टेस्ला ऑर्बिट जी के। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझाया गया है। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्त, क्योंकि वीडियो को मेहनत से बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चांदीपुरा वायरस सबसे पहले कब और कहाँ देखा गया? इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में सबसे पहले 1965 ईस्वी में देखा गया है और इसके ट्रेसेस हाल ही में पुनः प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, द ब्राइट शार्ड नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? पहला ऑप्शन है लेब ग्रासमैन, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा लेब ग्रासमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघों के संरक्षण के लिए दोस्त ये दिवस मनाया जाता है हाल ही में। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 जुलाई। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है विज्ञान रत्न, विज्ञान भारती, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम पुरस्कार। दूसरा है विज्ञान रत्न, विज्ञान भारती, विज्ञान DRDO और विज्ञान टीम पुरस्कार। तीसरा है विज्ञान रत्न, विज्ञान इसरो, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। चौथा है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार, ये इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में UPI सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, मालदीव। राइट आंसर है इसका मालदीव। मालदीव में जो है UPI सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? TV सोमनाथ, प्रदीप कुमार सिन्हा, अजीत कुमार सेठ, राजीव गावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा TV सोमनाथ को जो है नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर मेडल जो है नीरज चोपड़ा को मिला। इसके पहले जो है जो पहला पदक मिला था इनको गोल्ड मिला था, ठीक है ना, गोल्ड मिला था। और 2021 में जो जापान में जो हुआ था, जो पेरिस 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 ओलंपिक हुआ था ना, पेरिस पेरिस ओलंपिक में इनको कौन सा मिला था? गोल्ड मेडल मिला था जेवलिन थ्रो में सबसे पहला, इसीलिए इनको नीरज चोपड़ा को जो है गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप फाइनल की मेजबानी की है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। प्यारे भारत ने जो है ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप फाइनल की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन निम्न में से कौन हैं? चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, डॉक्टर बप्पी पॉल, मोहम्मद यूनिस,
और प्रज्ञानंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्री निवासुल्लु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विश्व चिकित्सा दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा दिवस और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट जो राइट आंसर इसका होगा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस जो है ये 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 5 सितंबर, 1 जनवरी या फिर 15 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को प्रतिवर्ष नागालैंड दिवस या नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 सितंबर या 20 जून को। राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नमो भारत दिवस है ये नमो भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है सुपरफास्ट ट्रेन इसके लिए या इसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और इसके ऑप्शन हैं चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त नई दिल्ली में हाल ही में नमो भारत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में नमो भारत दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च, 21 जून, 21 जुलाई या फिर 21 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया। नया दिवस है दोस्त, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और इसको आप अच्छे से याद रखना। दोस्त अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्त एक थम से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा सा आगे जाएगा, इससे हमको प्रेरणा मिलेगी और आपको नए नए प्रश्न और करंट अफेयर के कंटिन्यू प्रश्न मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? 84वां, 91वां, 82वां या फिर 52वां। राइट आंसर हो जाएगा 84वां। 84वां आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में जो है भारत का स्थान 84वां स्थान रहा है और ये रिपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम किस मंत्रालय की एक परियोजना है? तो दोस्त ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखना प्रोजेक्ट मौसम के विषय में। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है पर्यटन मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है ना प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है ना, जो परियोजना है ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपिडियम एसामिकम नामक एक नई आर्किड प्रजाति की खोज की गई है? इसके ऑप्शन है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें जो है एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट है केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन, यहाँ आंसर दे दिया गया है पिनरई विजयन जो है ये केरल के सीएम हैं। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन है और एमपी मध्य प्रदेश के वर्तमान जो सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू हैं और मणिपुर के जो वर्तमान सीएम हैं एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? टेहरी, बाड़ासुर, यहाँ पर दोस्त अड़ा रहेगा, ये लिखा जाएगा ऐसे बाड़ासुर, ठीक है ना, याद रखना ये रॉन्ग है। बाड़ासुर बांध, रंजीत सागर बांध या फिर निजाम सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाड़ासुर बांध, ठीक है ना, बाड़ासुर। और ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध भारत का है जबकि एशिया का दूसरा है, ठीक है ना, एशिया का सेकंड सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, याद रखेंगे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन से माता टीला परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, बेतवा, तुंगभद्रा या फिर गंडक नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा, नदी बेतवा पर जो है ना माता टीला परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डावोलियम एयरपोर्ट या हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है 2021 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रेलवे में नहीं परंतु
विद्युत उत्पादन के पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया था, डाबोलियम एयरपोर्ट जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, गोवा या फिर लेह। तो याद रखेंगे ये जो है ये गोवा का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डाबोलियम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्त, राजाओं की घाटी किंग ऑफ वैली निम्न में से किस देश में स्थित है, मिस्र, भूटान, इटली या फिर सऊदी अरब। राइट आंसर हो जाएगा इसका मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1956, 1957, 1955 या 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 1955 ईस्वी में बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। भारत की राजभाषा जो है दोस्त हिंदी है, भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, और ये 343 आर्टिकल के तहत है, और इसकी जो लिपि है दोस्त देवनागरी है। ठीक है ना, याद रखेंगे इसकी लिपि जो है ये देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजभाषा की लिपि कौन सी है, आर्मेनिक, खरोष्टी, रोमन या देवनागरी। राइट आंसर अभी मैंने बताया है पिछले प्रश्न में, देवनागरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर, हाजीपुर, गोरखपुर या फिर हुबली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है, रूस और चीन, जर्मनी और कनाडा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिफू दर्रा निम्न में से किस भारतीय राज्य में है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 123। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। ठीक है ना, आर्टिकल जो है ये 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। तो दोस्त इसको याद रखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन है अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, यदि नए हैं तो लाइक कर लिया करें, क्योंकि दोस्त वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जाता है, और चैनल भी हमारा नया है, बहुत पुराना चैनल नहीं है। कंटेंट इतना अच्छा दिया जा रहा है कि रेलवे में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो रेलवे में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे।